टीवी में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मौसम में आए बदलाव के कारण धुंध व कोहरा पड़ने से पीली कुंगी की मार हुई कम। धूप में असर दिखती है पीली कुंगी। विभाग की ओर से सब्सिडी पर मिल रही है पीली कुंगी की दवा। पंजाब में फसलों पर लगी पीली कुंगी की बीमारी से किसान परेशान थे, लेकिन मौसम में आए बदलाव के कारण पीली कुंगी का असर कम हो गया है। किसानों की व खेतीबाड़ी विभाग की माने तो धुंध व कोहरे में पीली कुंगी का असर देखने को नहीं मिलता। पिछले 10 से 14 दिनों से मौसम में हुए बदलाव के चलते पीली कुंगी का नया मामला सामने आया है। उनकी माने तो जैसे मौसम में फिर से बदलाव आएगा और धूप खिलेगी तो पीली कुंगी का असर देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल किसान पीली कुंगी की मार न होने से राहत की सांस ले रहे हैं। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਹਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀਲੀ ਕੁੰਗੀ ਦੀ ਮਾਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਸਮ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਆ ਗਈ ਮੌਸਮ 'ਚ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੀਲੀ ਕੁੰਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੀਲੀ ਕੁੰਗੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਘੱਟ ਗਈ ਸਪਰੇਅ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੀਲੀ ਕੁੰਗੀ ਦੀ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਜੇ ਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ ਪੀਲੀ ਕੁੰਗੀ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਹਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਸਪਰੈਸ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੌਸਮ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕਦਮ ਇਹਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤ 'ਚ ਕੋਈ ਪੀਲੀ ਕੁੰਗੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 18 ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੀ। हरियाणा में सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत जनवरी माह तक 2012 कार्य पूरे किए जा चुके हैं, जबकि 260 कार्य प्रगति पर हैं। इस योजना के तहत अब तक लगभग 12 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। ये जानकारी गुरुवार को चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्य सचिव डीएस ठेसी की अध्यक्षता में हुई सांसद आदर्श ग्राम योजना की राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में दी गई। बैठक में इस योजना के तहत 15 जिलों के लिए तैयार की गई ग्राम विकास योजना के साथ साथ विधायक आदर्श ग्राम योजना, स्वर्गीय प्रेरित आदर्श ग्राम योजना तथा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की भी समीक्षा की गई। हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में 100 पार्कों में जिम्नेजियम बनाए जाएंगे जहां सभी आयु वर्ग के लोग अभ्यास कर सकेंगे। इसके अलावा प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के खेल परिसर में खेल सुविधा केंद्र की स्थापना भी की जाएगी, जिनका नाम युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखा जाएगा। पंजाब में सड़क हादसों में दिनों दिन विस्तार होता जा रहा है और हर रोज कीमती जाने मौत के मुंह में जा रही हैं। इस तरह ही दर्दनाक घटना घटी नाभा में, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल चालक को टक्कर मार दी जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसकी पत्नी और लड़का बुरी तरह जख्मी हो गए, जिनको पटियाला के राजेंद्र अस्पताल में रेफर कर दिया गया। मृतक अपने साले के संस्कार के बाद वापस लौट रहा था। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके दोषी चालक की खोज शुरू कर दी है। रूप सिंह पता लग गया, रूपा हेड़ी पिंड दा। अच्छा हैगा, ते ट्राला वो खड़ा हैगा, ड्राइवर फरार है, बाकी असीं होर दो बंदे इंजर्ड ने, असीं देख के मतलब पेश कर रहे हैं जो भी बनदी कार्रवाई मुकदमा दर्ज कराउंगे। आईजी गौतम चीमा और क्रिस्पी खेरा और देवेंद्र गिल का झगड़ा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। कल 27 जनवरी को मोहाली पुलिस ने क्रिस्पी के पति और प्रॉपर्टी डीलर देवेंद्र गिल को सरकारी प्रॉपर्टी खरीदकर उसे आगे बेचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उसकी पत्नी भारतीय इमिग्रेशन की एमडी क्रिस्पी खेरा ने आज चंडीगढ़ प्रेस क्लब में एक पत्रकार वार्ता के दौरान आईजी गौतम चीमा और उसके सहयोगियों पर आरोप लगाने के बाद उनके शहर पर ही मोहाली पुलिस ने झूठे केस में देवेंद्र गिल को गिरफ्तार किया ऐसा आरोप लगाया, जबकि असली गुनाहगार वे लोग खुद हैं। गलत अरेस्ट किया सर, ये FIR 3 तारीख को FIR नंबर 3 मेरे हस्बैंड पे हुई थी जनवरी के महीने में। उसके बाद FIR होने के बाद हम DGP सर को मिले थे, उन्होंने इसकी सिट बनाई थी थ्रू नौनेहाल सर एंड DIG रोपड़। सिट बनने के बाद हमें 26 तारीख के बाद बोला गया था DSP आलम विजय की तरफ से कि हमें 26 तारीख को बुलाया जाएगा।
26 तारीख के बाद बुलाया जाएगा क्योंकि गणतंत्र दिवस चल रहा है, सारी पुलिस बिजी है। दो दिन लगातार मैं उनके रीडर को फोन करती रही हूँ, मुझे कहते रहे सीट बन गई है, सीट बन गई है, हम आपको बुला लेंगे। और 27 तारीख को सुबह रश्मि नेगी और पुलिस वाले आते हैं और मेरे हस्बैंड को अरेस्ट करके ले जाते हैं मेरे ऑफिस से। बिल्कुल सर, इनका रोल ये है कि रश्मि नेगी को आगे करके गौतम चीमा अपने जो चीज़ें हैं कॉम्प्रोमाइज़ नोट्स हैं वो मेरे साथ क्लियर करवाना चाहता है कि मैं अपने FIRs वापस लूँ। मेरे पास प्रूफ्स हैं, एविडेंस हैं कि जिस FIR के ऊपर इन्होंने हम पे कहा है कि हमने फ्रॉड प्रॉपर्टी खरीदी है, उसका गौतम चीमा का PSO ही उसको आइडेंटिफाई कर रहा है, सेलर को, जिसने हमें प्रॉपर्टी सेल की है। तो हम कहाँ से कल्प्रिट हुए सर? कल्प्रिट तो गौतम चीमा और PSO अवतार सिंह हुए। कल्प्रिट तो गौतम चीमा और उसके PSO अवतार सिंह हुआ और मेरे हस्बैंड को अकेले को अरेस्ट कर लिया। जब हम बोल रहे हैं कि अवतार सिंह को अरेस्ट करो, आपको पता चलेगा फैक्ट क्या है कि कौन था ये NK दुआ कि उसने हमें सही प्रॉपर्टी बेची है। धोखा तो हमारे साथ हुआ है, हमने 56 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी है और उसके बाद अवतार उसको उस बंदे को आइडेंटिफाई कर रहा है और हमारी गुड नोट्स थी गौतम चीमा के साथ मेरे हस्बैंड की, तो उसने ट्रस्ट कर लिया। और आज जब FIR हुई है तो मेरे हस्बैंड को अकेले को अरेस्ट कर लिया। जब मैंने पूछा कि अवतार को क्यों नहीं उठा के लाते, वो बताएगा सही बंदा कौन था, कैसे ये FIR हुई, तो वो कह रहे हैं जी आज दोबारा सिट बन गई है। अभी आपके हस्बैंड के अरेस्ट के बाद आपने किसी पुलिस ऑफिसर को अप्रोच किया? मैं DGP पंजाब को मिल के आई हूँ सर, मैं नौनेहाल सर को मिली हूँ, मैं SSP मोहाली को मिली हूँ, मैं सबको मिली हूँ। सबसे सबकी तरफ से मुझे ये कहा गया कि आपके हस्बैंड, अगर हम दो दिनों में कोई विटनेस नहीं प्रूव कर पाए तो आपके हस्बैंड को हम क्लीन चिट करके रिलीज कर देंगे। मेरी तो एक ही रिकमेंडेशन है, थ्रू मीडिया भी आप लोगों के थ्रू मैं मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल क्लीन हैंडेड है, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया और उनको रिलीज किया जाए पंजाब पुलिस की तरफ से। और राधा जो कल्प्रिट हैं जिन्होंने ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया, उनको पकड़ के लाएं, जैसे कि गौतम चीमा का PSO अवतार और मेरे हस्बैंड को छोड़ा जाए। अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया ना, तो मैं कल से मैंने सोच लिया है, कल शाम से मैं जाके DGP सर के सामने ऑफिस के बैठ जाऊंगी धरना लगा के, क्योंकि मुझे तो उम्मीद है ही नहीं है। मैंने कल DCM सर से भी टाइम लिया मिलने का, अगर उनके पास वक्त हुआ वो मुझे मिलेंगे और मैं उनको बताना चाहती हूँ कि पंजाब पुलिस किस लेवल पे मिली हुई है नीचे से IG गौतम चीमा के साथ। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब विश्वविद्यालय के लॉ ऑडिटोरियम में छात्रों से रूबरी होकर उनके सवालों के जवाब दिए। इस दौरान छात्रों ने उन्हें पंजाब के मौजूदा राजनीतिक हालात से जुड़े सवालों के साथ साथ राजनीतिक भ्रष्टाचार, शिक्षा के विकास, बेरोजगारी और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े सवाल भी पूछे। उनसे खडूर साहिब उपचुनाव में कांग्रेस के बहिष्कार पर भी छात्रों की ओर से सवाल किए गए। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने छात्रों द्वारा पूछे गए सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। छात्रों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि 2017 में अगर उनकी सरकार बनती है तो वो भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पर अंकुश लगाने सहित शिक्षा के विकास के लिए भी कार्य करेंगे। बेसिक जड़े क्वेश्चंस ने ये सारे स्टूडेंट्स पूरे पंजाब दे विच यही सवाल है, यही मैं पूछा गया सी कालानौर, यही पूछा गया सी होशियारपुर, यही इतने पूछ रहे हैं। इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम, दी स्टैंडर्ड्स इन पंजाब जड़े गिरे ने और जो बाद च अगर एजुकेशन ठीक नहीं होंगी इन्हों दे वेयर आर एंड वंस ए ग्रेजुएट फ्रॉम हेयर वेयर डू दे गो फॉर देयर जॉब्स। सो दिस इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम है सारे कितने। तो मैंने बड़ी खुशी हुई है कि लोगों ने बड़ी खुली तरीके नाल सवाल किए ने उरे पंजाब यूनिवर्सिटी। आई एम वेरी हैप्पी विद द आउटकम। हाँ जी, भाई बंदी का, भाई बलदीप सिंह का, मैंने पहला ही पता सी कि इन्होंने यही करना है। ये हर वेले अं तक लोगों के कागज़ रिजेक्ट करवा देंगे ने अपने आप जितने वास्ते, हूँ कोई दो तीन इंडिपेंडेंट हो गए जित जाएंगे। तो फिर पहला ये समझाने तो सही, जिस बेसिस से कांग्रेस ने असी छड़िया सी उथे ऑन द इशू ऑफ बेअदबी ऑफ गुरु ग्रंथ साहब, इन्हों नहीं चुभदी बेअदबी गुरु ग्रंथ साहब की अकालियां, श्रोमणी कमेटी सामभी बैठे ने एंड दे डोंट केयर, वो कुछ भी नहीं करन नूं तैयार हो। तो बिल्कुल एक बड़ी घटिया किस्म के लोग ने जेडे जेडे गुरु ग्रंथ साहब से ही इस पासे करके अपनी इलेक्शन लड़ रहे हैं। सर, कल का डी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो पहले अकाली दल का बयान आया कि कांग्रेस जी है हार मान गई है, पहला तो क्यों हार मान रही है? गुरु ग्रंथ साहब इज़ मोर इंपोर्टेंट ऑफ खडूर साहब, तुम दसो मैनू गुरु ग्रंथ साहब की जी बेअदबी हुई है, ये साड़ी जिम्मेवारी नहीं कि वह पता करो किने की है। दैट इज़ द इशू विच इज़ देयर। दूजे पासे है मिस्टर प्रकाश सिंह बादल जरा कहानियाँ बना रहे ने जड़िया के असी भज गए। वाई शुड वी रन अवे? असी कदे कांग्रेस नहीं रनी, एक भजी कदे एक बार द कांग्रेस बॉयकॉटेड जनरल इलेक्शन, उस तो बाद दूजी बार है बिकॉज साढ़े बंदिया ने जो सिक्की जी ने उन्होंने इसी इशू ते
अपना अस्तीफा दिता सी। जदों इश्यू रिजॉल्व नहीं होया फिर किहड़े मूंह नाल वापस जाणगे इलैक्शन लड़न नूं, एंड मैं उन्हां नूं सपोर्ट की एंड साडी पार्टी ने सानूं सपोर्ट की। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह के पंजाब विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ इंटरैक्शन कार्यक्रम के विरोध में छात्र संघ सोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने पंजाब विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया। सोई छात्र संघ के नेताओं का कहना था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह वोट मांगने के लिए पीयू आ रहे हैं, जबकि वर्ष 2002 से 2007 तक वह प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तब उन्होंने न तो प्रदेश के लिए और न ही पंजाब विश्वविद्यालय के लिए कुछ किया। वहीं पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे 15 के करीब सोई छात्रों को गिरफ्तार भी करा। बिल्कुल नहीं है, हम तो पीसफुल अपना जा रहे हैं। हमारी ये क्वेश्चंस है। हमने तो सिर्फ ना कोई काली झंडी है, ना हमने किसी का प्रोग्राम इंटरप्ट करना है। हमारे तो ये सिंपल क्वेश्चंस है, ये स्टूडेंट इंटरेक्शन प्रोग्राम है, ये हमारे क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें चाहिए, क्योंकि ये सबके लिए, ये कोई किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। एज अ वो लीडर आए हैं, इनको हम एज अ स्टूडेंट जा रहे हैं, ना कि किसी पार्टी की तरफ से जा रहे हैं। और ये हमारे क्वेश्चन है भाई, जो जो इन्होंने एज अ CM रहे हैं 2002 से 2007 तक, क्या क्या किया इन्होंने यूथ के लिए। क्वेश्चन ये जी है भाई, एज अ CM जब ये थे 2002 से 2007, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए इन्होंने क्या किया है, पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए क्या किया, नॉट इवन सिंगल पेनी इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। और ये कोई भी पोस्ट होती थी गवर्नमेंट जॉब की, जब कोई भी रिटायर हो जाता था टू सेव फाइनेंस, इन्होंने ये पोस्ट अबॉलिश कर देते थे। सो इन्होंने कोई भी नहीं किया। 3-4 हमारे क्वेश्चन है, हम आपको कॉपी दे देंगे, और हमने इनसे ये पूछना है भी हमें इसके जवाब चाहिए। हमने किसी का प्रोग्राम इंटरप्ट नहीं करना, सो हम तो अपना पीसफुली जा रहे हैं। सो लेट अस सी भाई, हमें जाने देते हैं कि नहीं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी आत्मकथा के दूसरे संस्करण द टर्बुलेंट ईयर 1980-1996 में किए गए खुलासे को लिखा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पुस्तक द टर्बुलेंट ईयर 1980-1996 का गुरुवार को उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने राष्ट्रपति भवन में विमोचन किया। इसमें इंदिरा गांधी की हत्या, बाबरी मस्जिद ढांचे को ढाए जाने, ऑपरेशन ब्लू स्टार और राजीव गांधी कैबिनेट से उनका निकाला जाना सहित उनके राजनीतिक जीवन के अहम घटनाओं का जिक्र है। इसमें 1980 और 1990 के दशक के उन कुछ यादगार घटनाक्रमों का जिक्र है जिन्हें आजादी के बाद के भारत के इतिहास में सर्वाधिक कलह पैदा करने वाला माना जाता है। मुखर्जी ने राजीव गांधी के PM बनने से राष्ट्र नेता के तौर पर PV नरसिम्हा राव के उभरने तक हर बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर नए सिरे से प्रकाश डाला है। प्रणब के दूसरे संस्करण के विमोचन के मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण अडवाणी, पूर्व कैंग विनोद राय, पूर्व केंद्रीय मंत्री करण सिंह सहित अन्य कई नेता मौजूद रहे। इट इज बिट ऑड दैट आई एम रिसीविंग माय ओन बुक व्हिच आई हैव रिटन फ्रॉम वाइस प्रेसिडेंट, बिकॉज नॉट मेनी, इवन व्हेन द फर्स्ट वॉल्यूम वाज रिलीज्ड, इट वाज नॉट फॉर्मली रिलीज्ड, इट वाज through the modern technology, it was released through internet. Normally I do not do so, but I speak on occasions like this, and many a times it has taken place here, and either Dr. Karun Singh or Honorable Vice President have released the book and have received the first copy. I deeply appreciate efforts made by publisher Kopish Mehra and his team to bring out this book, because I failed to meet my commitment of giving the manuscript to them in time. The first volume I have discussed in details with events of the then East Pakistan, now called Bangladesh, and I tried to find out the reason, analysis. Volumes have been written, but I did not indulge in that. What was discussed in public forum, what was in the knowledge of the domain, how I looked at it, I tried to give my version. यूपी विधानसभा सत्र में हंगामा, विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण को बताया झूठ का पुलिंदा। कांग्रेस ने प्रदेश की हालात को देखकर दमकर विधानसभा में हंगामा किया।
विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण को विपक्ष ने झूठ का पुलिंदा करार दिया। बीएसपी, कांग्रेस, आरएलडी ने पोस्टर बैनर लहराकर हंगामा किया। बसपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी तथा स्वामी प्रसाद के नेतृत्व में हंगामा हुआ। विपक्ष गवर्नर वापस जाओ के नारे लगा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सपा सरकार का कार्यक्रम में हत्या, लूट व डकैती के मामले बढ़ गए हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है, राज्य में जंगल राज व्याप्त हो चुका है। हंगामे के चलते कार्रवाई बाधित हुई और बाद में विधानसभा सत्र को स्थगित कर दिया गया। विधानसभा सत्र की कार्यवाही दोबारा फिर से शुरू हो चुकी है। पठानकोट आतंकी हमले के बाद बार बार पकड़े जा रहे संदिग्ध किस बात का अंदेशा देते हैं। आज फिर आरपीएफ को बड़ी सफलता मिली। आरपीएफ ने अफगानिस्तान के रहने वाले 25 वर्षीय युवक को रेलवे कैंट स्टेशन से गिरफ्तार किया। युवक का नाम नजोक मीर पुत्र बाली मोहम्मद दरवाजे वाला, गांव मम्मी, जस्तक, जिला बड़खशाल, अफगानिस्तान बताया जा रहा है। युवक से दो मोबाइल फोन, बिना सिम और एक लैपटॉप बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस और खुफिया एजेंसी पूछताछ में जुटी है। युवक 2013 में भारत आया था। ये युवक वाराणसी एक्सप्रेस में बिना टिकट सफर कर रहा था। टिकट पूछने पर इसने टीटीआई के से मारपीट की और उसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया। कपकपा देने वाली सर्दी के बीच लोगों के लिए राहत की खबर। देर रात से पंजाब भर में हल्की बारिश हो रही है। जालंधर, लुधियाना, अमृतसर, चंडीगढ़, पटियाला, भटिंडा समेत अन्य शहरों में अभी भी बूंदाबांदी जारी है। कई इलाकों में ओलावृष्टि भी होने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक आज सारा दिन मौसम ऐसा ही रहेगा, लेकिन कल से मौसम साफ हो जाएगा और कुछ दिन तक धूप रहेगी। खडूर साहिब उपचुनाव के लिए कांग्रेस के चुनाव न लड़ने तथा आजाद उम्मीदवार बलदीप सिंह का नामांकन रद्द होने के बाद मैदान में 8 उम्मीदवार ही रह गए हैं। हालांकि अभी 30 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। मतदान 13 फरवरी को होना निश्चित है। मुख्य चुनाव अधिकारी के प्रवक्ता ने बताया कि बलदीप सिंह का नामांकन पत्र जांच के बाद रद्द हो गया। वे पंजाब में पंजीकृत मतदाता नहीं है। शेयर प्रत्याशी रविंदर सिंह ब्रह्मपुरा का नामांकन पत्र ठीक मिलने के बाद उनकी कवरिंग उम्मीदवार रविंदर कौर का नामांकन पत्र भी रिटर्निंग अधिकारी ने रद्द कर दिया। अब शीयत के रविंदर सिंह रामपुरा, बीएसपी अंबेडकर के पूरन सिंह और निर्दलीय सुखदेव सिंह, उपेंद्र सिंह, अजीत सिंह सैनी, सुमेल सिंह, हरजीत सिंह और अनंतजीत सिंह मैदान में रह गए हैं। वहीं आज स्थानीय होटल में पत्रकारों से बलदीप सिंह ने कहा कि उनके द्वारा बीते दिन भरे गए नामांकन पत्र में फॉर्म 6 लगा रखा था। उन्होंने 22 जनवरी को अपना वोट अप्लाई किया था और जो उन्हें 29 जनवरी तक मिल जाना चाहिए था, लेकिन 30 जनवरी का नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि है। इसके बावजूद एआरओ ने यह कहकर उनका नामांकन पत्र रद्द कर दिया कि प्रत्याशी ने फॉर्म का एक कॉलम खाली छोड़ा है, जबकि वोट बनाने का प्रूफ उनके नामांकन पत्र के साथ लगा हुआ था। एआरओ के पास स्क्रूटनी की स्पेशल पावर होती है, जिसे वे 28 की बजाय 29 जनवरी को भी कर सकते थे। इसका एआरओ ने उन्हें नोटिस भेजा और उन्होंने भी अपना 2 पृष्ठ का जवाब मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब को भेज दिया है। वे हल्का सुल्तानपुर लोधी के गांव सेदपुर के पले बड़े हैं, अतः उसी जगह से वोट अप्लाई किया था। अगर वे हल्का खडूर साहब से भी चुनाव लड़ रहे हैं, यहां से वोट अप्लाई करते तो बीते 3 बजे के बाद वोट बनाना फ्रिस्क हो जाना था। इसी कारण उन्होंने सुल्तानपुर लोधी से वोट बनाने का फैसला लिया था। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अकाली दल को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अगर चुनाव आयोग पंजाब के उनके पत्र का जवाब नहीं देता तो वो केंद्रीय चुनाव आयोग के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाने से भी नहीं चुकेंगे। पंजाब के लगभग 20 पूर्व विधायकों ने आज पार्टी के केंद्र नेतृत्व से मांग की है कि वे पूर्व सांसद जगमीत सिंह बराड़ को अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से बाहर निकालें। आज यहाँ संयुक्त मंतव के पूर्व विधायक गुरप्रीत सिंह कांगड़, कुशलदीप सिंह ढिल्लो, अवतार हेनरी, अमरजीत सिंह समरा, उपिंदर शर्मा, मक्खन सिंह, हरमंडल सिंह जस्सी, भाई हरनिरपाल सिंह कुक्कू, डॉक्टर मोक्षन रणवा, हंसराज जोसन, सुजीत सिंह भीमान, दर्शन सिंह बराट तथा धनवंत सिंह धूरी ने कहा कि अनुशासनहीनता को सहन नहीं किया जाएगा।
इन कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि खरूर साहिब उपचुनाव को लेकर जगनीत ने पार्टी नेतृत्व के उलट स्टैंड लिया है। उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि चाहे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने जगमीत को दोबारा टिकट में शामिल कर लिया था, परंतु फिर भी वे अनुशासनहीनता के मार्ग पर चल रहे हैं। पंजाब में हरियाणा हाईकोर्ट में 26 छोटे केबल ऑपरेटर्स की याचिका पर सुनवाई के दौरान उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने हलफनामा सौंपा। उन्होंने कहा कि उनका केबल से जुड़ा कोई बिजनेस नहीं। उन्होंने कहा कि जिस फास्टवे को उनका बताया जा रहा है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। बादल के इस जवाब को रिकॉर्ड कर लेते हुए हाईकोर्ट ने सुनवाई टाल दी। मालवा केबल ऑपरेटर संघर्ष कमेटी के सदस्य भटिंडा, मोगा, फरीदकोट, फिरोजपुर और संगरूर के 26 छोटे केबल ऑपरेटर्स ने याचिका में फास्टवे के कागजात पर सवाल उठाए थे। कहा था कि इसके मालिक सुखबीर बादल हैं। इसके बिजनेस को बढ़ाने के लिए राज्य के छोटे केबल ऑपरेटर्स को तंग किया जाता है। याचिका में कहा था कि पंजाब के कुल केबल बिजनेस का 95% फास्टवे के पास है। इस वजह से छोटे केबल ऑपरेटर्स का राज्य में अपना काम करना मुश्किल हो गया है। केबल ऑपरेटर्स की याचिका पर डीसी मोगा को नोटिस। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मोगा केबल ऑपरेटर्स की याचिका पर डीसी मोगा को नोटिस देकर जवाब मांगा है। याचिका में केबल ऑपरेटर्स ने कहा था कि उनका एरिया डिजिटल इंडिया के फेज 4 में आता है, ऐसे में यहाँ सेटअप बॉक्स के प्रावधान ही कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2016 है। इसके बावजूद उन्हें अनावश्यक तौर पर परेशान किया जाता है। पुलिस ने उन्हें 31 दिसंबर तक सेटअप बॉक्स की अनिवार्यता की बात कहते हुए परेशान किया है। इस बारे में जो आदेश जारी किए हैं उनमें कहा गया है कि सेटअप बॉक्स न होने के कारण उनका कारोबार बंद करवा दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने डीसी मोगा सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस भेजा है।